आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में सर्दी के तीखे तेवर हो रहे हैं। 25 जिलों का तापमान गिरकर 10 डिग्री से भी कम हुआ है। एक दर्जन जिलों का तापमान 8 डिग्री के आसपास हुआ है दर्ज। आधा दर्जन जिलों का तापमान पहुंचा है 5 डिग्री तक। वहीं राजस्थान में लोगों को अब सर्दी सताने लगी है। अल सुबह सर्दी से कपकपी लोगों को लगने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ओस की बूंदें जमने लगी है। तो प्रदेश में सर्दी ने दस्तक समय से पहले दी और लगातार सर्दी अपने पैर पसार रही है। देखिए बात की जाए तो कल की, तो बीती रात माउंट आबू सबसे ठंडा शहर रहा। वहां तापमान 2 डिग्री रात में दर्ज किया गया। और चलिए प्रदेश में किस तरह की सर्दी अभी हो रही है इस पर हमें अधिक जानकारी देंगे। 3 अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जयपुर से हमारे साथ दिनेश जुड़े हैं, वहीं सीकर से हमारे साथ रमेश जुड़े हैं, तो माउंट आबू से हमारे साथ कमलेश प्रजापत जुड़े हैं। सबसे पहले कमलेश आपका रुख करना चाहेंगे, और वो इस वजह से क्योंकि माउंट आबू बीती रात सबसे ठंडा शहर रहा। ओस की बूंदे वहां जमी, 2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। और रमेश कमलेश सबसे बड़ी बात तो यहां ये हो जाती है कि 12 साल का रिकॉर्ड वहां टूटा है। इससे पहले नवंबर माह में इस तरह की सर्दी कभी नहीं देखी गई है कि 2 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आया। क्या कहना चाहेंगे, फिलहाल कैसी तस्वीरें माउंट आबू में? देखिए शिखा, पर्यटन नगरी माउंट आबू अब बर्फिस्तान कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। जहां पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है, तो एक नजारा इस वक्त दिखाना चाहूंगा कि जो कारों की छतों पर जो ओस की बूंदे हैं वो यहां पर बर्फ में तब्दील हो चुकी है। जो शहर के अभी हम अंदरूनी इलाके में खड़े हैं, और यहाँ पर शिखा देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि जो बर्फ की परत है वो आप देख सकते हैं कि माउंट आबू में जो न्यूनतम तापमान गिरा, अभी कह सकते हैं कि जमाव बिंदु पर तापमान है, और इस तापमान की वजह से कड़ाके की सर्दी का असर है। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है आज नवंबर में, आप यहाँ पर वर्षों से यहाँ पर रहते हैं, तो कैसा लग रहा है, ठंड कैसी आज? बर्दाश्त ही नहीं होती है बिल्कुल, और साथ साथ में हवा भी है और ठंड का कहर बहुत है इस बार। ठंड का कहर है, समय से पहले ठंड आई है, समय से पहले आई है। देखिए शिखा, जो माउंट आबू है, और माउंट आबू पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन सर्दी में इसका खास महत्व नजर आता है कि सर्दी के इस सीजन में जहां कई वर्षों का यहां रिकॉर्ड टूटा है, और नवंबर माह में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, और कड़ाके की सर्दी के बीच जहां न्यूनतम तापमान आज कह सकते हैं कि जमा बिंदु के नजदीक है, तमाम जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों में बर्फ की परत नजर आ रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग। सर, कैसे देखते हैं आज की ठंड को, और जो आप तो स्पोर्ट्स में हैं, और सुबह का नजारा कैसा नजर आता है? आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही है, और कल कम थी, लेकिन आज जो उसकी जो बूंदे जमी हुई है गाड़ी के ऊपर वो पूरी बर्फ में तब्दील हो चुकी है। तो सुबह सुबह क्या रहता है, ठंड कैसी महसूस होती है यहाँ पर? कई सालों का रिकॉर्ड टूटा आज। आज हाँ, कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, आज कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। देखिए शिखा, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, कहीं ना कहीं आज जो सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाए हैं, इसकी वजह से जो सुबह का नजारा है कुछ अलग ही नजर आता है। सुबह का जो तमाम जो शहरी इलाकों में कहें तो जो कार की छत होती है उस पर बर्फ की परत है, मैदानी इलाकों में जहाँ घास पर ओस की बूंदे आज बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। जी कमलेश, वही नजारा सामने आता हुआ जिसका जिक्र हम कई दिनों से कर रहे हैं, बर्फिस्तान माउंट आबू बन रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए कमलेश, हमारे साथ सहयोगी दिनेश भी जयपुर से जुड़े हैं। दिनेश, जयपुर में किस तरह की सर्दी? हालांकि जयपुर, राजधानी जयपुर की बात की जाए तो वहां 12 के आसपास रात का तापमान बना हुआ है, लेकिन सर्दी जो है लगातार बढ़ती हुई, 10 डिग्री के आसपास भी तापमान कई जिलों में हुआ है। जयपुर में किस तरह की तस्वीरें? मौसम वहां साफ है, बादल का डेरा है आसमान में, किस तरह से तस्वीरें दिनेश? जी शिखा, देखिए राजधानी जयपुर का मौसम आज पूरी तरह साफ है, लेकिन सर्दी की बात करें तो तापमान में गिरावट हुई है। मौसम साफ होने के बावजूद भी तापमान में गिरावट और गलन महसूस हो रही है, तो सर्दी ऐसे में बढ़ी है। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर का तापमान जो कल परसों तक 12.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, उसमें भी गिरावट दर्ज हुई है। आज के तापमान लगभग 11 डिग्री के आसपास है, तो ऐसे में लगभग 1.5 से 1.25 दर्जन तक राजधानी के तापमान में गिरावट हुई है, और पूरे प्रदेश में सर्दी का कहर पूरी तरह आ चुका है। ये कह सकते हैं कि सर्दी ने पूरी तरह करवट ले ली, तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। लगभग 25 जिले राजधानी के ऐसे हैं जिनका तापमान 10 डिग्री से नीचे डाउन हुआ है, 10 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ है। आधा दर्जन जिले ऐसे हैं जो कि
तीन से पांच डिग्री के बीच उनका तापमान पहुंच गया। और शिखा, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है, हमने पहले भी ये बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तापमान में दिन ब दिन गिरावट होगी और पारा जल्द ही जमाव बिंदु के आसपास पहुंच जाएगा। ऐसे में हमारे साथ स्पोर्ट पर्सन है जो कि सर्दी का मौसम खासकर स्पोर्ट पर्सन के लिए भी एक बेहतरीन अवसर बेहतरीन मौका होता है। सर, क्या किस तरह की सर्दी है और क्या स्पोर्ट पर्सन? सर, सर्दी तो बढ़ रही है लेकिन हमारे स्पोर्ट्स के लिए सर्दी मौसम बेहतर होता है। सर, इसमें क्या है तो प्लस डाइट का भी रहता सही रहता है कि हम इस डाइट भरपूर मात्रा में ले सकते हैं अपन। तो सर, इसमें सर्दी हमारे स्पोर्ट्स को किसी तरह की कोई सर्दी का सिस्टम नहीं है। और सर्दी अगर होती भी है ज्यादा तो उसमें क्या सर, हम जैसे रनिंग करते हैं और फिजिकली जो भी करते हैं उससे हमारी सर्दी दूर तक आसपास नहीं आती हमारे। सर, यही है। तो शिखा, इस मौसम का स्पोर्ट पर्सन के साथ साथ अन्य प्रदेश के लोग भी लाभ उठाने में लगे हुए हैं, खासकर इस मौसम में खाने पीने और पहनने का भी जो लुप्त उठाया जा सकता है कि गजक मूंगफलियां ऐसी चीजें, गर्म चीजों का खान पान बढ़ जाता है। बिल्कुल दिनेश, शीतलहर की दस्तक, किसी के लिए राहत तो किसी के लिए कपकप की स्थिति। हमारे साथ सहयोगी रमेश भी लगातार सीकर से बने हुए। रमेश, देखिए मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ये साफ कर चुके हैं कि राजधानी जयपुर में और खासतौर पर प्रदेश में मौसम तो साफ रहेगा लेकिन 48 घंटे काफी अहम है क्योंकि तापमान 2 डिग्री तक गिरेगा और खास तौर पर शेखावाटी में। कैसी स्थिति है फिलहाल सीकर में रमेश? बिल्कुल, मैं इसी का बताना चाहूंगा कि हालांकि सूर्य भगवान ने दर्शन दिए, मौसम बिल्कुल साफ है लेकिन साफ मौसम में ये नहीं कहा जा सकता कि सर्दी नहीं है। बिल्कुल सर्दी है और हवा बिल्कुल ठंडी है जिसे लोगों को कपकप ही छूट रही है। कहा जा शेख फतेहपुर का जो तापक्रम दर्ज हुआ है वो 2.8 डिग्री के आसपास है, यानी 2 दिनों से 2 और 3 डिग्री के बीच तापक्रम है वो ये चल रहा है जो बिल्कुल जमाव बिंदु के नीचे है। कहा जा सकता है कि अब जमाव बिंदु के आसपास तापक्रम होने से दो चीज बनकर के आती है, एक तो क्या आती सर्दी और एक जाती सर्दी। अब सर्दी शुरू हुई है, इसमें लोगों को बीमारियां बढ़ी है, वायरल बढ़ा है, लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे। जो मौसम साफ होता है तो लगता है कि मौसम साफ है, सर्दी नहीं है, लेकिन साफ मौसम में सर्दी का ज्यादा असर देखा जाता है। तो वहीं अगर बात करें सीका कोहरे को लेकर के, तो आज शेखावटी में जो है वो कोहरा कम देखने को मिला है। जो 2-3 दिनों से लगातार कोहरा था उसमें कमी आई है कोहरे में, लेकिन सर्दी फिर भी बढ़ी है, तापक्रम में फिर भी गिरावट आई है। और तीसरी बात अगर करें शेखावटी की, सबसे बड़ी किसानों को लेकर के, यहाँ की फसलों को पैदावार को लेकर के, तो प्याज की बुआई यहाँ हो चुकी है लेकिन अगर तापक्रम 0 से नीचे जाता है या माइनस में रहता है तो कहीं ना कहीं फसलों को भी नुकसान होगा। फिलहाल फसलों को नुकसान नहीं है क्योंकि तापक्रम है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच स्टैंड चल रहा है। 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि तापक्रम 2.4, 2.6, 2.8 या 3.2, इस तरीके का तापक्रम शेखावटी में चल रहा है। शिखा, बिल्कुल देखिए सर्दी की दस्तक है और लगातार सर्दी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगी का हमारे साथ जानकारी साझा करने।